ये पेटीएम अकाउंट में देख सकते हैं मेरा 3401 रुपए 29 दिसंबर को यह पेमेंट हुआ था, अभी तक मेरा पेमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ था जिसकी वजह से मुझे काफी दिक्कत आ रही है। और मैं आ गया हूँ नोएडा सेक्टर 98 जहाँ पे पेटीएम का ऑफिस है। मैं आया था नोएडा ऑफिस क्योंकि मेरे पेटीएम में काफ़ी प्रॉब्लम थी, पैसा मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा था, ना आ रहा था ना जा रहा था। तो अभी मैं पेटीएम ऑफिस आया था, देख सकते हैं मेरे पीछे पेटीएम ऑफिस है नोएडा सेक्टर 98 में। तो उन्होंने बोला कि आपका KYC पूरा नहीं हुआ था जिसकी वजह से यह दिक्कत आ रही थी। तो बोले हैं कि आपके पास एक लेटर आएगा, उस लेटर में QR कोड होगा, उसको स्कैन करना, फिर आपका पेटीएम चालू हो जाएगा। अगर नहीं चालू होगा तो वो QR कोड फिर वापस आप यहाँ लेके आना, आपका चालू हो जाएगा। तो काफ़ी मैं प्रॉब्लम में था और कस्टमर केयर में भी बात किया, समस्या का हल नहीं हुआ। तो मुझे पता चला, एक पेटीएम वाला मिला, उसने बताया कि वहाँ चले जाओ, वहाँ से आपका समस्या का हल हो जाएगा। तो अभी तो हो गया है, चलते हैं। KYC भी पूरा हो गया, शुक्र है कि मैंने पैन कार्ड और आधार कार्ड साथ में रखा था और मेरा काम हो गया। अब चलते हैं घर की तरफ। A few moments later. अभी मैं मौज पे लाइव आया था तो एक सिस्टर थी हमारी जो गोरखपुर से थी, वो बोले कि भैया श्री जय श्री राम। मैंने बोला जय श्री राम। कह रहे आज हमारे हस्बैंड तो लिट्टी चोखा बना रहे हैं, दुकान है उनकी और दुकान पे ही उन्होंने पार्टी किया हुआ अपने दोस्तों के साथ और लिट्टी चोखा बनाया। मैं बोला यार सिस्टर आपने लिट्टी चोखा का नाम लेके ना एकदम मुंह में पानी आ गया। लिट्टी चोखा तो अलग ही मजा आ जाता है, गांव का जो है ना वो अलग ही स्वाद होता है। यहाँ भी मिल जाता है दिल्ली में, लेकिन पैसा देके मिलता है। अरे लेकिन पैसा देके मिलने वाली बात नहीं है, मेरे स्वाद नहीं मिलता है ये पैसा। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली में भी मिलता है लेकिन वो स्वाद नहीं मिलता जो घर में गाँव में ऊपर होता ना, ऊपरी उसमें बनाते हैं, उसका स्वाद भाई साहब मजा आ जाता है खाने का। हम गांव जाते हैं, मम्मी हमारी बना के खिलाती है और वंदना जी तो यहाँ मशीन में बना के खिलाती, जो मशीन बनाया था अच्छा था लेकिन वो स्वाद अलग होता है। तो चलिए गर्मा गर्म लग गया है, मिलते हैं कुछ देर बाद। घड़ी में बज गए 1:15 और टाइम हो गया है ऋषभ को स्कूल से लाने का। सोनाक्षी का तो कार मैंने लगा रखा है, वो लेके जाता है लेके आता है, और ऋषभ का स्कूल जो है घर के पास में है तो उसको लेके जाते हैं और लेके भी आते हैं। तो टाइम हो गया उसके छुट्टी का, तो चलते हैं। यहाँ वंदना जी देख सकते हैं अपना रील्स वगैरह बना रही हैं। कैसी लग रही है? ब्यूटीफुल लग रही है। तो चलिए मिलते हैं ऋषभ के स्कूल में। मैं आ गया हूँ ऋषभ को लेने के लिए, ऋषभ छुट्टी में। ये क्या कर रहा? वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारी। मैं नेट पर डालूंगा तुम्हारा वीडियो। तो मैं आ गया हूँ ऋषभ को लेने के लिए, लेकिन ऋषभ का भी छुट्टी नहीं हुआ तो वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब पेरेंट्स लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक छुट्टी नहीं हुई है। जिसकी जिसकी छुट्टी है उसको उसके बच्चे को लेके जा रहे हैं, हम लोग भी वेट कर रहे हैं, देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे। तो ऋषभ को लेके आ गया, आ जाओ ऋषभ, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, देखो भाग रहा है, आ जा, जाओ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। कह रहा है कि मुझे कुछ दिला दो, बताओ। स्कूल से चॉकलेट भी मिला है, सुबह जब जा रहा था तो मैंने उसको चिप्स भी दिलाया, चॉकलेट भी दिलाया, अभी कह रहा फिर कुछ दिलाओ, तो छोड़ दिया हूँ, अपना आ जाएगा। मानता नहीं है, बहुत जिद्दी हो गया है, अब अपना धीरे धीरे घर के पास छोड़ दिया हूँ तो आ जाएगा जब कुछ नहीं मिलेगा तो। अपना पेटीएम का काम करवा दिया लेकिन अभी तक KYC पूरा नहीं हुआ जिसकी वजह से अभी तक दिक्कत है। और अगर आप लोगों को भी जाना हो पेटीएम ऑफिस तो अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके जाना, कोई भी शिकायत हो तो वहाँ पे जाके अपने समस्या का हल कर सकते हैं। मैं भी गया हूँ, देखते मेरा समस्या का हल कब होता है। तो यहाँ वंदना जी तैयार हो रही है। ओहो वंदना जी कहाँ जाने की हो रही है तैयारी? तो हम बता देते हैं, वंदना जी जाने वाली हैं बर्थडे पार्टी में और यहाँ पे इनका देख सकते हैं मेकअप ये कर रही हैं, और सोनाक्षी इनके बालों को हेयर स्ट्रेट कर रही है। अरे यार बालों फंसा के रखे तो हम क्या कर सकते हैं। इधर हमारा लिलिया देखो सूट बूट पहन के इसको एक आया कन्हैया, अभी तोड़ दिया है वो। लिलिया देखो कितना स्मार्ट लग रहा है, ओहो नजर ना लगे लिलिया को, थोड़ा फेस तो दिखा दो, थोड़ा दांत तो दिखा दो, दांत तो दिखा दो भाई, थोड़ा ऐसे दिखा दो। मुझे सबसे अच्छा लिलिया ऋषभ का दांत टूट गया, 3 दांत टूटा हुआ है ऋषभ का, देखो 3 दांत, एक नीचे 2 ऊपर, हाँ ऊपर देखो, ऊपर 2 दांत टूटा हुआ, 3 दांत टूट गया ऋषभ का।
तुम्हारा तो दूध का दांत टूट गया। मुझे तो छोटा वाला ले लिया अच्छा लगता है ज्यादा तो। पता नहीं क्यों। और तुम्हें मारना होता। अरे यार क्या क्या बात है। तो वंदा जी का मेकअप का जो प्रोडक्ट है आप लोग देख सकते हैं, नाम तो मुझे नहीं पता कौन सा, नाम तो बता देंगे लेकिन ये नहीं बता सकते कि क्या चीज है ये। ये पाउडर है। ये फेस कनाडा क्या लिखा हुआ है? फेसेस कनाडा। फेसेस कनाडा और विलाइट्स स्टे मिट कॉम्पैक्ट, पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट है। फेस पाउडर मास्टर को। मम्मी 16 तक पड़ी। और ये इनका लिपस्टिक का जो है दो गायब हो चुका है। ब्रांडेड चीज लक्की अपना बदल बदल कर लगाती हैं। कैसा लगा इनका लिपस्टिक देखकर बताइए। ओहो स्माइल मार। ए तू हट, तू सामान छोड़, चल कोई सामान मत छू, चल निकल। ये तोड़ भी देगा, अभी फेस पाउडर तोड़ दिया इसने। कपड़ा अपने नए कपड़े से। और ये सब वंदा जी को फ्री में मिल जाता है बताओ। गई थी वहाँ पे मेकअप का सामान खरीदी तो उन्होंने बोला लीजिए मैडम आपको मेरी तरफ से, आपको मेरी तरफ से फ्री में लगा लो। ये लेडीज का है, मेरा थोड़ी है। मेरे लगा सकते हैं। लड़के भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये क्या है? फेस मास्क है। इससे गोरी हो जाओगे। मास्क निकलता है इसमें? हाँ जो पन्नी वाला, पन्नी वाला। हाँ मुझे लगाना है इसका। अबे थोड़ा सा ना लगा कर सोना, जैसे शादी वादी पड़े तो तब लगाओ, ऐसे क्या लगाना। बर्थडे पार्टी में लगा लेती हूँ तभी लगा। खोला ना तुम, बहुत मारूंगी बहुत। इसको क्यों देते छूने के लिए यार, बोलते मत ये सामान। क्या हुआ ये तुम्हारे काम का है जो छू रहे हो तुम? तो यहाँ देख सकते हैं माँ बेटा बेटी तैयार हो गए हैं। और तैयार तो हुई हो ना, भले कपड़े नहीं पहनी हो बस नया वाला, पुराना तो पहनी हो। तो हम भी चलते हाथ मुंह धो के तैयार हो जाते क्योंकि गाजियाबाद जाना है और जाने में भी टाइम लगेगा। और जल्दी पहुंचेंगे तो पार्टी भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और जाके फिर वापस भी आना है। ऋषभ का तो वैसे पर्सनली छुट्टी है और सोनाक्षी का भी छुट्टी है ना। मेरा तो हमेशा ही छुट्टी लेता है। तो सोनाक्षी का भी छुट्टी पड़ गया, ऋषभ का भी छुट्टी पड़ गया। तो चलते हैं हम लोग और मिलते हैं पार्टी में। मैं पार्टी में क्या, अभी तो मुझे तैयार होना है, फिर दिखाते हैं अपना लुक। तो फाइनली मैं तैयार हो गया हूँ और मुझे तैयार होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। उस दिन भी रात को आया था मैं तो ये बोली कि टाइम हो गया, ये हो गया, लेट हो गया। मैं आया फटाफट फेस वाश से मुंह धुला, जींस पहना, टी शर्ट पहना, ऊपर से ब्लेजर डाला, हो गया तैयार। तो आज भी वही देख सकते हैं, जींस डाला हूँ, टी शर्ट पहना, ऊपर से जैकेट डाल लिया हूँ, तैयार हो गया हूँ। जब से तैयार हो रही थी उससे पहले ही मैं तैयार हो गया। सिंपल लग रही हूँ ना? अच्छी लग रही हूँ। जितना सिंपल अच्छी लगती है उतना ताम झाम में नहीं अच्छी लगती है। तो फाइनली हम भी तैयार हो गए, वंदना जी भी तैयार हो गई हैं और देख सकते हैं बस थोड़ी ही देर में हम लोग निकलने वाले हैं पार्टी के लिए। उधर से अमित किट्टो और कौन कौन यूट्यूबर आएंगे सब कुछ देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम के क्वीन और पता नहीं कौन कौन से लोग आएंगे, सब कुछ देखने को मिलेगा वंदना एंड किट्टो ब्लॉग पे, डीके वंदना ब्लॉग पे। तो रील्स तो पहले आ जाएगा, ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा। तो आप लोग वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है, डीके वंदना के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए, डीके वंदना के नाम से फेसबुक पेज है। मौज को फॉलो करिए, मौज भी आईडी जो है डीके वंदना के नाम से। क्या लीली पैसा? लीलिया का दांत टूट गया और स्मार्ट लग रहा है। अभी आ जाएगा दो दिन में आ जाएगा। तुम्हारा दांत तो मेरे उसमें था, क्या बोलते ब्लेजर में मम्मी रख दी थी, ये वाला था ना, और ये वाला भी यहाँ पे रखा था।